बेला, बेला। अरे क्या हुआ? ऐसा कौन सा खजाना मिल गया है तुम्हें? जरा मैं भी तो सुनूं। बताऊं? कुंवर साहब, शादी से पहले ही? हाँ। उनसे मिलकर तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने वो मिल गए हो जिनकी मुझे जन्मों से तलाश थी। ऐसा क्या कर दिया है कुंवर साहब ने? मेरे ऊपर जब भी मुसीबत आई है ना, मुझे बचाने के लिए वो अपनी जान पर खेल गए हैं। सोनू, सोनू बेटी, ए, क्या बात है, आज बड़ी गुमसुम परेशान सी बैठी हो। डैड, जब से अजय गया है उसका ना कोई लेटर आया है और ना कोई फोन। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात? डैड, I'm really scared. आप हमेशा कहा करते हैं कि हिंदुस्तान की धरती बहुत खूबसूरत है, जो एक बार वहाँ जाता है वहाँ से वापस आना ही नहीं चाहता। कहीं अजय भी? अजय ऐसा नहीं है, लगता है तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा नहीं रहा, लेकिन हमें उस पर पूरा भरोसा है। वो हमसे वायदा करके गया है कि वो डेंगू को पकड़ कर हमारे पास लाएगा, और वो अपना वायदा निभाने यहाँ पर जरूर आएगा। हाय पापा, इन्हें पहचाना? अरे कैसे नहीं पहचानेंगे पापा, आप क्या बात करते हैं, ये हमारे राममोहन अंकल है। प्रणाम अंकल। जीते रहो बेटे। पापा, इनको हम बचपन में बहुत परेशान किया करते थे, याद है अंकल आपको? भाई तुम्हारे अंकल को गलत फहमी है कि तुम विदेश में जाकर विदेशी रंग में रंग गए हो, अब हमारी बात नहीं मानो। अरे कैसे नहीं मानेंगे पापा, क्या बात करते हैं, आप हमारे पापा ही नहीं बल्कि आप हमारे यार हैं, और यारों के लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं ना पापा। सुन लो। बस बेटा बस, मेरे दिल का बोझ उतर गया। सूर्यभान, मैं चल के तैयारी करता हूँ। अच्छा। अरे नहीं नहीं, बैठो बैठो। पापा, अंकल किस तैयारी की बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, कह रहा था कि अजय से कहो कि वो उसकी बेटी को देख ले। मैंने कहा देख लेगा। बेटी को देख ले, लेकिन किस लिए? अरे शादी के लिए। और किस लिए? शादी? किसकी शादी? भाई हमने तुम्हारी शादी राममोहन की बेटी पूजा के साथ तय कर दी। हमसे पूछे बगैर? इसमें पूछने की क्या जरूरत है, हम जानते हैं जो फैसला हम करेंगे तुम उसे मानोगे। लेकिन पापा, ये हमारी शादी का फैसला है और ये हमारा हक बनता है कि हम उसी से शादी करें जिससे हम प्यार करते हैं। क्या तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो? जी हाँ। कौन है वो? सोनू नाम है उसका, फौरन में मिली थी। ओ, तो तुम एक विदेशी लड़की को इस घर की बहू बनाना चाहते हो जो हर आने जाने वाले गैर मर्द के साथ मोहब्बत का इजहार करती फिरे, जिसके खानदान का पता ठिकाना ना हो, ऐसी लड़की को हम इस घर की बहू नहीं बना सकते। उसका खानदान हमारे खानदान से कुछ कम नहीं है। सोनू सूर्यवंशी यशवंत सिंह चौहान की एक लौती बेटी है, और हमारा फैसला आप कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर हम शादी करेंगे तो उसी से, वरना हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम मर जाएंगे लेकिन तुम्हारी शादी वहां नहीं होने देंगे। अरे अरे, आप दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़े जा रहे हो? भैया, अजय जिस लड़की से प्यार करता है आप एक बार उसे देख लें, और अजय बेटा जिस लड़की को तुम्हारे पापा ने पसंद किया है तुम उसे एक बार देख लो, बस झगड़ा खत्म। ठीक है बुआ। शारदा, हमने राम मोहन से वादा किया है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो वादा निभाने के लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं। भैया, इस तरह से गुस्सा करके आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, आखिर अजय भी आप ही का खून है, जरा प्यार से काम लीजिए, जवान लड़का है, शायद पूजा को देखते ही उसका इरादा बदल जाए। पूजा बेटी। बुआ आप? जीती रहो बेटी। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना बुआ जी? हाँ, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो मैं समझ गई तुम क्या जानना चाहती हो, तुम सिर्फ अच्छी नहीं बहुत अच्छी लग रही हो। नमस्ते। हमारा यकीन करो, कसम से ये लड़की तो बस कमाल की थी, लड्डुओं भरी थाल के साथ हमारी गोद में आकर ऐसे गिरी है कि पहचानना मुश्किल हो गया था कि लड्डू कौन सा है लड़की कौन सी है। सुनो, इस हंसी मजाक में कहीं ऐसा ना हो कि कोई लड्डू तुम्हारे मुंह में ही ना चला जाए। कम ऑन यार, कमाल करती हो, जानती हो तुम किससे बात कर रही हो? उससे
जिसे तरह तरह के फूल दिखाए जा रहे हैं। अरे जाने मन, दिखाने तो दो, हमारा क्या जाता है। और फिर गुलाब का जिक्र तो आखिर में ही होता है ना। तुम जैसी गुलाब को देखने के बाद और कोई लड़की हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे और हमारी जिंदगी पे असर नहीं कर सकती। अरे हम शादी करेंगे तो सिर्फ उस गुलाब से, वरना जिंदगी भर हम कुंवारे रहेंगे। हाँ ए, क्या हुआ तुझे? इतने मोटे मोटे आंसू, सारे के सारे आज ही बहा देगी तो शादी के दिन क्या होगा? बात मत कर, यहाँ मेरे सपनों का महल चूर चूर हो गया और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे अकल की अंधी, कुंवर साहब ने तुझे पसंद कर लिया है। क्या बकवास कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तू अपना विश्वास खो बैठी है, लेकिन मैं अपनी आंखों से देखकर और कानों से सुनकर आई हूँ। क्या सुनकर आई है? कुंवर साहब किसी को फोन पर बता रहे थे कि वो शादी तुझसे ही करेंगे। सच? हाँ। खा मेरे सर की कसम। तेरे सर की कसम, उन्होंने तुझे फूल कहा है। जानती है सबसे खूबसूरत फूल कौन सा होता है? खूबसूरत फूल गुलाब। हाँ, उन्होंने तुझे अपना गुलाब कहा है, और अगर वो शादी करेंगे तो सिर्फ गुलाब से, वरना किसी से नहीं। उन्होंने मुझे गुलाब कहा है, मुझे पसंद कर लिया। आ जाए। तेरे आते हुए कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कुंवर साहब, आपने मुझे पसंद करके मेरा जीवन सफल बना दिया। अगर आप इनकार कर देते तो मैं इसी झील में कूदकर अपनी जान दे देती। अगर हम कहें कि हम किसी और से प्यार करते हैं तो? कहकर तो देखिए, अभी कूद कर मर जाऊंगी। कहिए ना, झूठ से ही कहिए कि आप किसी और से प्यार करते हैं। अगर मैंने कूद कर जान न दे दी तो मेरा नाम भी। अरे रे, क्या कर रही हो? मैं जानती हूँ आप किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, आप सिर्फ मुझे चाहते हैं, इसीलिए तो आपने मुझे पसंद कर लिया है ना। अरे भाई मुनीम जी, अरे ले जाओ भाई, ले जाओ अंदर ले जाओ। क्या बात है राम मोहन, इतनी बड़ी फौज लेकर आए हो, हमला करने का इरादा है क्या? अरे बिना हमले के मैं जीत गया। क्या जीता भाई? तेरा बेटा पंडित ने 20 तारीख शादी की तय की है। तो ठीक है, बारात लेकर आ जाएंगे। भाई खड़े क्या हो, समझी हो, गले लगो। सूर्यभान, तुमने मेरी बेटी को अपने घर की बहू स्वीकार करके मुझ गरीब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। कैसी बातें करते हो राममोहन, हमने तो बहुत पहले तय कर लिया था कि पूजा ही इस घर की बहू बनेगी। शारदा, शारदा। क्या बात है भैया? राममोहन जी आए हैं, जलपान का इंतजाम करो। नमस्ते नमस्ते दीदी, बिल्कुल जलपान नहीं चाहिए मुझे। भाई देखो, जब तक दोस्त था इस घर का खाता पीता रहा, अब लड़की का बाप हूँ तो यहाँ का पानी पीना भी गलत समझता हूँ। अब आज्ञा दो, मुझे चलता हूँ। अच्छा दीदी। देखा शारदा, इसे कहते हैं ठाकुर का खून। ठकुराई चली गई लेकिन ठाकुरपन नहीं गया। अब तो शादी की तैयारी में लग जाओ। आपने ये रिश्ता कबूल कैसे किया? क्योंकि ये रिश्ता हमें पसंद है। लेकिन आपकी पसंद से क्या होता है? अजय को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद है। उसकी पसंद नापसंद से क्या होता है? हम जानते हैं कि इस खानदान की बहू कौन हो सकती है। तो आप अपने खानदान की रट लगाए रखिए, अजय सुनेगा तो विदेश भाग जाएगा। कैसे भाग जाएगा? हम उसे जाने देंगे तब ना। और फिर हम राम मोहन को वचन दे चुके हैं। तो आपको फिर अपना वचन तोड़ना पड़ेगा। हरगिज नहीं, हम ठाकुर हैं और ठाकुर वचन निभाने के लिए मर सकता है लेकिन तोड़ नहीं सकता। अजय भी ठाकुर है, वो भी तो किसी को अपना बनाने का वचन दे चुका है। वो मर जाएगा लेकिन पूजा से शादी नहीं करेगा। क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ, अजय की रगों में भी आप ही का खून है। भूल गए आप, जब अजय छोटा था, भाभी के गुजर जाने के बाद आपके लिए दूर दूर से रिश्ते आए थे, लेकिन आपने उन सबको ठुकरा दिया। सिर्फ इसलिए ना कि जानकी भाभी से आप बहुत प्यार करते थे। जरा सोचिए भैया, जब आप अपनी मरी हुई पत्नी को भूलकर किसी और से शादी नहीं कर सके, तो अजय अपनी प्रेमिका को छोड़कर
किसी दूसरी लड़की से कैसे शादी कर सकता है? बोलिए भैया, जवाब दीजिए मुझे। भैया 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 भैया, क्या हुआ? लगता है दिल का दौरा पड़ गया। मुनीम जी, मुनीम जी,